तो हे गाइस, नमस्ते आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब मेरा टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप सबको मैं क्या दिखाऊंगा। तो आप सबको बता दूं कि आज के व्लॉग में जो है नए नए लोग आप सबको देखने को मिलेंगे। तो वो नए लोग कौन हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप सबको आगे व्लॉग में बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, मैं रेडी भी हो गया हूँ। आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पहुंच गए हैं, ये रहा बाहर का कुछ व्यू। उत्थान फाउंडेशन इसका, इस पार्क का नाम है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद आप सबको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर टिकट काउंटर है, सबसे पहले यहाँ से टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं, उसके बाद आप सबसे मैं मिलता हूँ। आप सबको बता दूँ कि कूपन जो है पर पर्सन 10 रुपये है। तो अंकल बैठे हैं, कूपन काट रहे हैं, लेते हैं कूपन, उसके बाद चलते हैं। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए, और ये रहा टिकट जो 10 रुपये का एक टिकट है, पर पर्सन 10 रुपये टिकट है अंदर एंट्री के लिए। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि अंदर क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आप सबको दिखाऊंगा। तो आप सब मेरे व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। रास्ते में इतनी ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा धूल, पूरा चेहरा जो है पूरा धूल से भर गया है। तो सबसे पहले फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलता हूँ। तो आप सबको बता दूं कि मैं यहाँ अकेला नहीं आया, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स जो हैं सब लोग आए हैं, शजर, शाकिर, सब लोग, आमिर, रेहान, रैयान, आदिल, सारे लोग आए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए आप सबको दिखाता हूँ क्या क्या है या क्या नहीं है इस पार्क में। देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप पीछे पूरा लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप सबको बताते हैं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप सबको बता दूं कि आना सबको था, लेकिन रास्ता किसी को नहीं पता था। सारे लोग तैयार तो थे आने के लिए, लेकिन रास्ता कोई देखा ही नहीं था। बस हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत देर के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे, पूछते पूछते एक दूसरे को लग रहा था कि सारे लोग जान रहे हैं रास्ता, इसलिए बस हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा देर हो गई यहाँ पर आने में, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर झूला लगा है, बच्चों का है, लेकिन बड़े लोग भी यहाँ पर झूल रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा अपना बचपन याद करता हूँ और थोड़ा ट्राई करता हूँ झूलने के लिए। तो आप सब कुछ ही दिखाते हैं, झूलते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. देखिए मेरे फ्रेंड जो है थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा देख सकते हैं आप झूला कहीं टूट ना जाए, बच्चों का झूला है लेकिन इतने बड़े लोग झूल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए तो चलिए सामने जो है गौशाला दिख रहा है, गाय वगैरह बंधी हुई है यहाँ पर, ये आप सबको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं गाय वगैरह बंधी हुई है यहाँ पे, और आसपास पूरा खेत है, खेत के बीचों बीच में ये बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है, बहुत ही सुकून वाली जगह है। सारी फैमिलीज़ आई है घूमने के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी अपने फैमिली के साथ सारे लोग आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीछे जो है फ़ोटोशूट हो रहा है, फ्रेंड लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैं तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये देखिए पीछे
और फाउंटेन भी आप देख सकते हैं। यहाँ का कुछ व्यू बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये पार्क, लेकिन गाज़ीपुर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। गाज़ीपुर में बहुत सी चीज़ें नई नई जो है अब ओपन हो रही है धीरे धीरे, पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा बच्चों के लिए। झूला वगैरह भी सब कुछ अच्छा है, तो आ सकते हैं आप लोग, एक बार ज़रूर आएँ, थोड़ा सा एंजॉय करें, ट्राई करें आने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं सारा फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, बच्चे जो हैं थोड़े एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, फैमिली के लिए अच्छी जगह है, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आई है, एंजॉय कर रही है। आज संडे का दिन है, थोड़ा सा एंजॉय हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे लोग जो हैं थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, झूला वगैरह लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल जैसा कुछ बना हुआ है, ये देखिए नीचे पानी भरा है। अभी स्टार्ट शायद नहीं हुआ है, कुछ खराबी होगी या फिर और भी किसी रीज़न की वजह से ये स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये देखिए शजर जो हैं पिक वगैरह ले रहे हैं। फाउंडेशन देख सकते हैं यहाँ पर फाउंटेन स्टार्ट हो गया है, ये देखिए अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त लग रहा है। पब्लिक जो है देख रही है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा व्यू है शाम का, बहुत अच्छा नज़ारा है, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, एंजॉय करने आए हैं। इधर जो है फ़ोटोशूट हो रही है, ये आप देख सकते हैं अतिथि भवन है ये। बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, कोई दूर से अगर यहाँ पे रुकने के लिए आते हैं तो उनका भी यहाँ पर इंतज़ाम है रुकने का। ये आप देख सकते हैं अतिथि भवन, अंदर बहुत अच्छा रूम है, बेड वगैरह लगी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए मेरा झूल रहे हैं लोग, या मेरे फ्रेंड लोग हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर वगैरह भी है, ये आप देख सकते हैं मंदिर भी है, और आसपास का लोकेशन आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी जो है मैं थक गया और यहाँ पर बैठ गया हूँ। आप सबको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है, अपनी अपनी फैमिली के साथ लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, झूला वगैरह है, सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छा है यहाँ का नज़ारा, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। बहुत से लोग दिन भर के थके हारे जब काम करके अपने घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं दिन भर के थके हारे, तो ये सब जगह जो है बहुत ज़्यादा लोगों को सुकून देती है। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लोग आते हैं यहाँ, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा अपनी टेंशन को दूर रखते हैं और यहाँ पर आके अपने बच्चों के साथ सारी परेशानी, सारे टेंशन, सारे गम को छोड़ के थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून मिलता है। ये सब जगह जो है बहुत सुकून देने वाली जगह है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें अगर गाज़ीपुर में हैं या फिर गाज़ीपुर कहीं आसपास के कहीं भी हैं, तो एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। तो शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गाज़ीपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है। दरस गांव से जस्ट थोड़ा सा आगे जो है लेफ्ट हैंड पे अंदर ये उत्थान फाउंडेशन है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. बता दूं कि ये लोकेशन जो है काफी अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड इसका बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ फोटो शूट जो है बहुत अच्छे से होगी, बहुत ज्यादा अच्छे से होगी। ये देखिए ये यहाँ पर जो है पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी, ये देखिए भगवान चित्रगुप्त पुस्तकालय, अंदर लाइब्रेरी है बहुत सारी, सबको दिखा दूं कि जी भैया ये लाइब्रेरी, अच्छा देख सकते हैं, बिल्कुल
देख सकते हैं। मैं सबको दिखा दूं कि ये देखिए अंदर जो है लाइब्रेरी है, ये देख सकते हैं आप सारी बुक्स वगैरह रखी हुई है। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा जी, आपने देख ही लिया अंदर जो है। ये लोकेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा शीशे से ये बना हुआ है, ज़बरदस्त लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जो है कैंटीन वगैरह भी है, ये कैंटीन है और आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पर टेबल वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर लोग जो है खाते पीते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बनी है, ये देख सकते हैं आप। कोल्ड ड्रिंक चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हमारे शेजर भाई की तरफ से कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर चल रही है, ये आप देख सकते हैं। अब सबको बता दूं, ये देखिए ये सारी सूची है जो यहाँ पर अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सबको खाने पीने को मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। चाय कॉफ़ी पान सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि पीछे जो आप सबको ये हॉल बड़ा सा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा हॉल है, इसमें जो है छोटी मोटी पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी और भी कोई भी तरीके का जो है फंक्शन वगैरह आप यहाँ पे बुक करके इसको कर सकते हैं। इसका जो है 6,000 रुपये चार्ज है, सिर्फ ये हॉल का 6,000 रुपये चार्ज है, बाकी उसके अलावा जो है खाना पीना उसका चार्ज जो है अलग है। तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पर बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी ऐसी पार्टी हो, छोटी मोटी एनिवर्सरी टाइप की पार्टी यहाँ पर होती है। तो इधर जो है भाई फ़ोटो शूट हो रही है, सारे दोस्त लोग जो हैं फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और शाम हो गई, लाइट्स वगैरह भी जल गई है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ का। लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही है, देखिए आप देख सकते हैं लगी है, तो शाम हो गई इसलिए इसको जलाना पड़ा, तो ये आप देख सकते हैं। और पीछे जो है पूरा शूट हो रहा है, फ़ोटो शूट हो रही है। तो फाइनली सारी चीज़ें देख ली गई, सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। तो अभी जो है शाम हो गई है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद घर पहुँच के आप सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने सारी चीज़ें देख ली, पार्क का बहुत अच्छा पार्क है, घूमने लायक अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए अच्छा है। तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।